नहीं है, लेकिन उन जो लापरवाही है उन पर उतनी ही सख्ती की और तत्परता के साथ में कार्रवाई जरूरी होती है ताकि गलती दोहराई ना जाए, ना केवल उस कर्मचारी अधिकारी के स्तर पर या उस नगर में और उस गांव में, बल्कि अन्यत्र कहीं भी उसका दोहराव ना हो। इसकी चिंता शासन की है, मुख्यमंत्री जी की है। बाकी कई सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश एक है। कई जो वेलफेयर स्कीम है उसमें मध्य प्रदेश ने अपना नंबर एक पर स्थान बनाया है, और मध्य प्रदेश की स्वयं की योजनाएं भी इतनी कारगर है जिसके कारण स्वराज जी की पहचान वैसी ही बनी हुई है जैसे एक परिवार के मुखिया की तरह उनको गांव गरीब और किसान के बीच में माना जाना जाता है। तो ये उपचुनाव वाला जो क्षेत्र को निवाड़ी, ये अपवाद है, पूरे प्रदेश में सिस्टम सही है। अगर सिस्टम सही है तो फिर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को क्यों कह रहे हैं कि उनको मॉनिटरिंग में शामिल होना है, उनको नीचे जोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि फीडबैक मिल चुका है कि नीचे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसलिए एक्शन में है शिवराज। राकेश जी, अगर और उत्कृष्ट हमें प्रयास करने हैं और सफल क्रियान्वयन करना है और हम संगठन को जोड़ के रखे हुए हैं, तो ये हमारी तत्परता है ना, हमारी संवेदना है ना, तो हमें तो और उत्कृष्ट बनाना है मध्य प्रदेश को। तो फिर ये माना जाए कि चलिए आपने कहा कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, चिंता आपकी बता रही है, लेकिन चावल की हांडी वाली बात है, क्या ये सिर्फ निवाड़ी और पृथ्वीपुर तक है या पूरे प्रदेश में यही हाल है? और जहां चुनाव नहीं हो रहे वहां का फीडबैक क्या आपके पास है नहीं है, या आप ये मान के चल रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है? नहीं, मैंने कहा राकेश जी, मैंने तो निवाड़ी पृथ्वीपुर या रेगांव कहीं का नाम भी नहीं लिया। मैंने कहा कि 100% सफल क्रियान्वयन इतने बड़े राज्य में, इतनी लोअर ब्यूरोक्रेसी अपर ब्यूरोक्रेसी के तमाम प्रकार के लोग रहते हुए गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन सख्ती के साथ में कार्रवाई करना, सुनिश्चित कार्रवाई करना, ये शासन ने तय किया हुआ है। तो निश्चित तौर पर कहीं का भी मामला हो वहां सख्ती के साथ में कार्रवाई होगी, केवल पृथ्वीपुर या निवाड़ी या रेगांव का मामला नहीं। सुशील जी, जब चुनाव आते हैं, उपचुनाव होते हैं, तभी चिंताएं बढ़ती हैं, तभी एक्शन में नजर आते हैं, सभी अलग अलग रंग में ढलते हुए शिवराज नजर आते हैं। देखिए राकेश जी, इसकी सीधी सी वजह है ना, कि देखिए उपचुनाव जीतना सरकार के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि उस समय एक तो सीमित क्षेत्र में चुनाव होता है, किसी एक या दो विधानसभा क्षेत्र में होगा, चार में होगा, लेकिन संपूर्ण पूरे प्रदेश में चुनाव नहीं होता। तो ऐसे समय में जनता का मत बहुत मायने रखता है, और इसका मैसेज जो है, इसका संदेश बहुत दूरगामी संदेश होता है, सरकार उस चीज से बचना चाहती है। और जहां तक देखिए, रजनीश जी भले स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर 2018 का चुनाव परिणाम आप देखेंगे तो वही 4-6% का जो वोट जो आपको जो वो हुआ है, वो उसका कारण यही है कि आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन या डिलीवरी सिस्टम जो है आपका बहुत ज्यादा लचर हो गया था, सरकार की योजना जनता तक नहीं पहुंच रही थी, उनका लाभ नहीं पहुंच रहा था, उसी के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ता। एक सवाल यहाँ पर रजनीश जी से पूछूं, फिर सुशील जी आता हूँ। सुशील जी, आप और रजनीश जी एक बात पे तो सहमत हैं कि नीचे स्तर पर सुधार की गुंजाइश है, जिसको वो कह रहे हैं कि जो डिलीवरी सिस्टम है वो मजबूत नहीं है, तो क्या उस क्षेत्र के विधायक, पार्षद, मंत्री, सांसद ये अभी तक सो रहे थे? इनको नहीं मालूम था कि यहाँ क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री ही जाएंगे तभी एक्शन लिया जाएगा? नहीं, ये अब ये इसको अब निश्चित तौर पर इसलिए नहीं कह सकते। हो सकता है सांसद विधायकों ने शिकायतें की हो, आपको आपने देखा होगा, एक मंत्री ने तो भोपाल में एक कार्यक्रम में कहा ही है कि अफसरशाही हावी है। इस अफसरशाही हावी का आप मतलब ये मत समझिए कि सिर्फ वल्लभ भवन में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स ही हावी है, उसका संदेश ये कि नीचे तक मशीनरी जो है हावी है। तो वो सांसद और विधायक से अच्छा फीडबैक या जनप्रतिनिधि से अच्छा फीडबैक तो किसी के पास होता ही नहीं। वो समय समय पर मुख्यमंत्री को सूचना देते हैं, तभी तो मुख्यमंत्री को ये सवाल करने पड़े। यदि उनके पास ये फीडबैक नहीं होता तो एक सामान्य तरीके से भाषण देते, जनता दर्शन करते, लोगों से मिलते और चले जाते, लेकिन ये फीडबैक रहा है, उस फीडबैक के का ही उसमें समाधान करने के लिए वहां पर हैं। जी, ये लोअर जो ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है नीचे स्तर पर, इससे सरकार के मुखिया वाकिफ हैं, तो क्या ये विधायकों सांसदों के फीडबैक के आधार पर है? कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक दिया है बैठकों में, उसके कारण एक्शन में शिवराज नजर आए हैं, तो क्या ये दायित्व तो मंत्री, विधायक, सांसद का नहीं बनता था? नहीं, दायित्व तो सबका है, और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा भी है, इसीलिए उन्होंने वो पूछी वहां जाने के बाद में, वहां ये बात पूछी, और उसके बाद में क्योंकि केवल तत्काल वहां कोई निर्णय कर दिया ऐसा नहीं, उनके पास में जानकारी आई इसलिए उन्होंने सवाल किए।
और ये जानकारी निश्चित तौर पर उनको अलग अलग लोगों से प्राप्त हुई होगी। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि ये हाल पूरे प्रदेश में हर जगह है क्या? अरे राकेश जी, ये पूरे प्रदेश में हाल नहीं है, ना ही ऐसा 2018 में हमारा वोट कम हुआ। अच्छा, जहाँ पर कांग्रेस के विधायक है वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है राकेश जी? पहले मैं तो उत्तर दे दूँ आपको। पहली बात तो ये है कि जो बात अभी कर रहे थे आदरणीय सुशील जी कि हमारा वोट कम हुआ विधानसभा चुनाव में और हम सीट हार गए, तो जो वोट हमारा कम नहीं हुआ विधानसभा चुनाव 2018 में, हार के कारण अलग है, कांग्रेस का वोट बढ़ना भी एक महत्वपूर्ण कारण है, तमाम प्रकार के दूसरे राजनीतिक दलों का वोटा परसेंट का कम होकर वो मर्ज होना भी है, कई सारी बातें हैं। लेकिन उसका ये अर्थ लगा देना कि हम डिलीवरी सिस्टम कमजोर था और वैसा ही पूरे प्रदेश में, कतई नहीं है, गलत है। ये तथ्यों के साथ में मुझे लगता है खिलवाड़ करना होगा। दूसरी बात, हम कई शहरों की सीटें, शहर की सीटें, चाहे वो इंदौर की हो, चाहे बुरहानपुर की हो, चाहे विदिशा की हो, चाहे भोपाल की हो, चाहे ग्वालियर की हो, चाहे जबलपुर की हो, जो शहरों की बात है, तो शहरों में भी सीटें जहां हमें बड़ी तादाद में सीटें मिला करती थी वहां नहीं मिली। इसका मतलब शहरों का वो डिलीवरी सिस्टम, गाँव गरीब किसान का मामला ही नहीं है यहाँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम तथ्यों के साथ में इस प्रकार का आकलन करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, सारी ऐसी है तो दो तीन कारण गिना दो आप। मैंने कहा राकेश जी, वोट कम नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी का, और कांग्रेस से भी 1% ज्यादा वोट हमारा है। सीट कम हुई है तो सीट कम हुई उसका विश्लेषण कई बार अपन कर चुके हैं। उसका कारण डिलीवरी सिस्टम नहीं है, कांग्रेस के मुकाबले वोट कम हुआ, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले तो कम हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन रंजीत जी एक बार सुशील जी, 2013 के मुकाबले 2018 में भाजपा के वोट बंद की क्या स्थिति रही? देखिए रजनीश जी, वे बात को समझ नहीं रहे हैं, बात को वो सिर्फ जो है वोट की स्थिरता से देख रहे हैं। 2013 में आपको जितना वोट मिला था, यदि उतना ही वोट आपको 2018 में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी लोकप्रियता नहीं बढ़ी, आप जहां से वहीं खड़े। लेकिन कांग्रेस जिसको 2013 में जितना वोट मिला था उससे 23 लाख ज्यादा वोट लेके वो आपके करीब आ गए, आपके बिल्कुल करीब आ गए। आप सिर्फ 47,000 वोट ज्यादा हैं। अगर आप इसको अपना जो है नुकसान नहीं मानते हैं तो मुझे लगता है कि आप भी आत्ममुग्ध हैं, आपकी पार्टी भी आत्ममुग्ध है और ये मान के चल रही है कि हमें नुकसान नहीं हुआ। अगर आप बढ़े हुए वोट को कांग्रेस के नुकसान नहीं मानते तो मुझे लगता है कि जब चौथी बार की, तीसरी बार की सरकार में भी वोट ऑफ परसेंट पिछले चुनाव की अपेक्षा बढ़े और वोट भी बढ़े 2013 के मुकाबले, भारतीय जनता पार्टी से 2018 में वोट बढ़ा, वोट की संख्या बढ़ी, वोट का परसेंटेज। लेकिन कांग्रेस का वोट बढ़ा आपको नहीं मिला, उसका फायदा आपको नहीं मिला। बात तो सुनो। तो दोनों पक्षों में दोनों स्तर पर चुनाव, भाजपा का भाजपा से वोट बढ़ा और कांग्रेस से भी वोट बढ़ा, लेकिन अंतर जो दूसरे राजनीतिक दल है उनके वोट कांग्रेस में शिफ्ट होने के कारण कई विधानसभाओं में हमें हार का सामना करना पड़ा, एक सबसे बड़ा कारण। दूसरा मैं कह रहा हूं कि हार को अगर केवल 2018 की हार की हम समीक्षा करें तो हम वो सीटें भी हार गए जहां हार के कारण कई अलग हैं। ये डिलीवरी सिस्टम, विकास, डेवलपमेंट, सुशासन, योजनाएं है ही नहीं, होते ही नहीं है वहां हार के। तो फिर विकास कोई मायने नहीं रखता चुनाव में। हारे वो हमारे रास्ते को बहुत अच्छा। अरे रजनी जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ नहीं है तो इसका ये सबका एक शब्द है विकास, माने चुनाव में विकास कोई मायने नहीं रखता है। विकास भी चुनाव में मायने रखता है, क्योंकि समाज का बिहेवियर जो है, सोशल बिहेवियर जो होता है वो भी मायने रखता है। उसमें कास्ट, धर्म, पंथ, मजहब तमाम प्रकार के कारण होते हैं, प्रत्याशी भी एक कारण होता है, तात्कालिक जो परिस्थितियां बनती है वो भी एक कारण होती है। हम सब जानते हैं, समय अभाव है, लेकिन एक सवाल सुशील से, उस पर आपसे भी रिएक्शन लूंगा। आप भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स में जब रोज मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, नितिन गडकरी जैसे कैबिनेट का एक सम्माननीय वरिष्ठ नेता उसको सवाल खड़े करके सामने ला रहा है, ऐसे में शिवराज का ये अंदाज, उनकी वही पुरानी कार्यशैली लेकिन सीमित 4 उपचुनाव वाली सीटों तक, क्या कहते हैं सुशील जी, बदलते राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स के बीच शिवराज का ये पुराना अंदाज कुछ नया संदेश देता है?
देखिए शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से जनदर्शन के लिए निकले, इसका सीधा मतलब है कि उनका फोकस केंद्रीय राजनीति में जो भी है उससे नहीं, वो अपने चार उपचुनाव को लेकर बिल्कुल सजग हैं और उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं रजनी जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, वो जितना जाति और ये सब फैक्टर की बात कर रहे हैं, ये फैक्टर मोदी के चुनाव में लागू नहीं होता है। मोदी का जब चुनाव होता है मध्य प्रदेश में तो बम्पर वोट होता है, इसका इसको आपको समझना होगा कि आप जो है जहां आपकी पराजय हो रही वहां पर आप कारण वही कारण गिना देते जो कारण मोदी में लागू नहीं होते हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी सिस्टम खराब हो गया था, सबसे बड़ा नुकसान आपको उसी ने पहुंचाया, नहीं तो आप 2018 में ऐसी 2013 में ऐसी ऐसी सीटें जीते हैं जो आप कभी जीतते भी नहीं थे। सही, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में जब उत्तर प्रदेश पर फोकस बना हुआ है, रजनीश जी एक छोटी सी टिप्पणी, हालांकि इस मुद्दे पर वो जरूरी नहीं था सवाल, लेकिन आपसे जान लेते हैं। आपने कहा विकास का पर्याय, विकास का एजेंडे पे ही आगे बढ़ रही है हिंदुत्व, और अब जो सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे पिछड़ा वर्ग, ये जाति समीकरण दुरुस्त करने की कोशिश, प्राथमिकता क्या है, विकास या हिंदुत्व या फिर आपके जाति समीकरण खासतौर से पिछड़े पे फोकस? देखिए सरकार का जो काम होता है वो तो विकास, सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाएं सबके लिए, बिना हमने सामान्य वर्ग के लिए भी आयोग बनाने का काम किया, 10% आरक्षण केंद्र की मोदी सरकार ने भी दिया है, तो हम उनको भी छोड़ने वाले नहीं है। मिडिल क्लास भी हमारी प्रायोरिटी में और गरीब गुरबा किसान भी हमारी प्रायोरिटी में, इसलिए मुझे लगता है कि ये प्राथमिकता को बता के बाकी को नकारने का काम नहीं है। हिंदुत्व तो आइडेंटिटी है हमारी, उसमें कोई अलग से मुद्दा बनाने की जरूरत देना हो, अगर संजय जी बहुत चर्चा समय खत्म हो रहा है, अगर क्रम देना हो 1 2 3 विकास हिंदुत्व और ये सोशल इंजीनियरिंग, पहले सबसे ऊपर क्या है प्राथमिकता? देखिए पहचान हिंदुत्व की है, काम विकास का है और सबको साथ लेकर चलने का ये संकल्प है। संजय जी मैं एक छोटी सी टिप्पणी सुशील जी से लोग चर्चा विराम दूंगा, भाजपा किस दिशा की ओर जा रही, विकास पीछे छूट रहा है, हिंदुत्व साइड से है और जाति समीकरण दुरुस्त करने की कोशिश और शिवराज जैसे पिछड़े वर्ग के नेता का चेहरा, प्रयोग मध्य प्रदेश में चार उपचुनाव पे शुरू? नहीं देखिए आप केंद्रीय राजनीति को देख लें चाहे राज्य की राजनीति को देख लें, हर बार एक नया आपके हाथ में आपके बैग में एक नया वो होना चाहिए एजेंडा। तो आप देखिए पहला चुनाव अगर भ्रष्टाचार पर लड़ा गया था तो फिर राष्ट्रवाद पर लड़ा गया, फिर विकास पर लड़ा गया, तो अब अगले चुनाव पे क्या होगा? अगले चुनाव की तैयारी जो है जातीय समीकरण के आधार पर हो रही है और उसी की पृष्ठभूमि चाहे राज्य हो चाहे केंद्र वहां लिखी जा रही है। पुरानी बात है, मंडल पर कमंडल भारी हुआ था, फिर कमंडल और मंडल के बीच में और राजनीति फिर बदल रही है और देखना होगा कि ये लाठी किस ओर, भाजपा किस ओर, किस दिशा की ओर जाती। चर्चा में जुड़ने के लिए रजनीश अग्रवाल जी आपका, सुशील शर्मा जी दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिवराज के बारे में कहा जाता है कि वक्त रहते वह चुनौतियों को चिन्हित ही नहीं कर लेते बल्कि चिंता खत्म हो जाए इसका फार्मूला भी खोज लेते हैं, इसके लिए पहले जरूरी माहौल बनाते हैं, फिर अपनी सक्रियता और जनता से संवाद कर यह सोचने को मजबूर कर देते हैं कि विपक्ष के पास उनका विकल्प नहीं है, अपवाद छोड़ दें तो विरोधी और खुद उनके अपने जिसे चौहान की कमजोरी समझते हैं उसे शिवराज सही वक्त पर ताकत में तब्दील कर अपनी उपयोगिता साबित करते रहे हैं, चाहे फिर वह कमलनाथ सरकार की सत्ता पलट के बाद 28 विधानसभा के उपचुनाव ही क्यों न हो। तो यह भी सच है कि कांग्रेस भले ही ट्विटर और सोशल मीडिया तक सीमित होकर रह गई हो, लेकिन कड़वा सच यह है कि कोरोना की चुनौतियों ने सरकार में रहते भाजपा की परेशानी में इजाफा ही किया है, इससे मुख्यमंत्री शिवराज भी बच नहीं सकते हैं। फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि चार उपचुनाव पर फोकस करते हुए जिस तरह शिवराज जनता के बीच पहुंचे और उनके तेवर और टिप्पणी के साथ बदलता अंदाज चर्चा में है, आखिर उपचुनाव में यह क्या सफलता की गारंटी बनकर सामने आएगा? सवाल दर सवाल में आज इतना ही, इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार।